नया शुरुआत, नया दिन। सुबह जैसे ही उठते एक नया माहौल था एंड बैक टू बैक दो चैलेंजेस डिकी के साथ जीत रखा था एंड डेफिनेटली अ गुड फीलिंग। तो सुबह हुई और मैं और वैशाली आए अरबाज के कमरे में, और अरबाज को कोई बात करनी थी रात में, और रात में मैं थका हुआ था और मैं सो गया। सो मैंने अरबाज से बात करी और अरबाज ने मेरे को बात बताई। मैम ने मेरे को बोला था कि वापस वो बात उठनी नहीं चाहिए, लेकिन उसने मेरे को एक बात बोला कि तूने जो कशिश के बारे में जो लिखा था वो सही लिखा था। ये एडी ने बोला है तेरे को? और वहां पे तो कहता है कि कोई लौंडा हुआ ना तो उठ के दिखा देना, उठना मत। नहीं अभी ड्रामे हो, उसमें मेंशन दम थोड़ी है अब। लेकिन वो मैम ने वो बोला है कि वो बात नहीं उठना चाहिए, तो वो बात नहीं उठेगी, उठेंगे नहीं। लेकिन एक बात सोचो, देखो कैसी बात है, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले क्योंकि सनी मैम ने मेरे को मना किया, ये बात वापस से नहीं उठनी चाहिए। तो मैंने बोला था ये बात यहीं रहेंगी, इसको हम यहीं दबा देंगे। अच्छा चलो तुमको एक आज बताते, कशिश को मैंने टारगेट क्यों किया? नहीं ऑफ कोर्स मैं अपने बाप की हर्ष नहीं अपने बाप की रोजी रोटी खा के कहता। एक से रुक जा, आज कोई नहीं बता सकता क्या करना क्या नहीं करना। मैं तेरे को कुछ बता नहीं रही हूँ, कुछ सोच समझ के कर, सोच समझ के बोलूंगा आज, यही बात बोलूंगा है ना। क्योंकि क्या है ना, मुझे दोगली गेम पसंद नहीं है भाई, करेक्टर दिखाना है ना। तू मेरे को क्या कह रहा था, हर्ष 24 घंटे करेक्टर में रहता, हर्ष करेक्टर सा। एडी ने मेरे पास जाके एक बात बोली कि भाई तुझे उड़ाना है ना तो मेरे कनेक्शन को उड़ा दे, कशिश को तुझे उड़ाना है उड़ा दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उन्नति के साथ खेलना, मुझे उन्नति क्यूट लगती है। ये है बदलते रिश्ते। और कट टू कल जब चैलेंज हो रहा था तब कहता है मुझे प्यार हो गया, आई कांट एक्सप्रेस। पीठ पीछे दिमाग लगाना दिमागी लगाने वाला मेरे हिसाब से नहीं होता, बाकी पता नहीं लोग जो भी उसको बोले, लेकिन ये गेम खेलना। दो बारी ऐसा ऑप्शन आया कि दो लोगों ने उसे पूछा कि क्या हम कशिश को उड़ा दें, उसने दोनों बारी बोला उड़ा दो, मैं थोड़ा ड्रामा करूंगा लेकिन ना उड़ा दो लिटरली। ये कशिश को पता है ये बात? हाँ दोनों मदद चल जाएगी। आज हमें जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें ये लिखा था यू हैव टू रीलिव योर स्प्लिट्सविला जर्नी विद फिक्स डर्मा शैडो सन प्रोटेक्शन SPF 50 प्लस जेल। फिर हम लोग रेडी होते हैं और हम लोग पहुंचते हैं चैलेंज लोकेशन पे। So, जब हम चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे तो चैलेंज लोकेशन वाज बिट डिफरेंट दिस टाइम, सो आई वाज कंफ्यूज एंड मैंने कहा कि अभी क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू MTV Splitsvilla 15 को पावर्ड बाय न्यूमी फिक्स डर्मा शैडो सन प्रोटेक्शन एंड वाइल्डस्टोन डियोस एंड परफ्यूम्स। एक्सक्यूज मी प्लीज, So are you two now on talking terms? थोड़ा सा सेटल हुआ। हाँ मैम, जस्ट दैट कि मैं अब रिलेशंस बॉन्ड्स कोई भी टर्म्स हो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई चीज का मौका मिलेगा तो मैं उसको चूज भी कर सकती हूँ, उसको उड़ा भी सकती हूँ। दैट्स हाउ इट। ओके अरबाज, मैंने सुना दैट आपको कुछ बोलना है। मैं आईडी के पास बैठा था तो वहीं से ऐसी बात निकली कि मैंने सुना कि यार तू कशिश को उड़ाना चाहता है, तो मेरे को बोला कि तेरे को कौन बोला? तो मतलब बस मेरे को पता चला, तो बोला अच्छा, तो फिर वो बात निकली जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा सॉरी बोला था सबके सामने, कैमरे के सामने, तो वो बात निकली, तो फिर बोला कि हाँ यार तूने सच बोला था। ये मैंने बोला था? हाँ। मेरी धड़कन बढ़ चुकी थी कि ये बात क्या हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है। और अरबाज, साथ में आपने ये भी कहा था कि एडी आपकी बात से सहमत था जब आपने वल्गर शब्द वापरा। हाँ हाँ, ये भी गवाह है उसका। सुन, झूठ मत बोलियो, ये बात हुई थी? झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर बना के बोलनी होती मेरे को, झगड़ा लगाना होता है, लड़ना होता तो मैं खुद से बोल देता हूँ, भाई मैं फेक इंसान नहीं हूं, मैं बहुत रियल हूँ। जो बात मैंने सुनी मैंने वो ही बात बोली। ये बात हुई थी? देवकरण बोल। मैं एकदम बहुत ज्यादा शॉक में चला गया कि यार वो बात
हम दो तीन लड़कों के बीच की बात थी, वो आज यहाँ पे क्यों आ रही है? इसकी वल्गर वाली बात थी, मैंने हामी भरी थी या नहीं भरी थी? हाँ बोला, बोल ये बता। अबे अपन तीनों जब बैठे थे, सच बोल, तेरे एक्सपीरियंस सच नहीं है भाई यहाँ पे। देव सीधा सीधा बोल, सीधा सीधा बोल, सच बोल, बोलिए तो बोल, सच बोल, यहाँ दिखेगा सच, सच बोल, डोंट होल्ड बैक, बोलिए तो बोल, सच बोल, अरे सच बोलना, बोलिए। बहुत बढ़िया, मेरे को इतना गुस्सा आता है कि अबे चूतिया, तेरे से तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तू भी हाँ बोलेगा इस चीज पे भाई, क्योंकि तेरे को मेरी सारी बातें पता होती हैं। देव सुन, अब गेम खेलेंगे तेरे लिए, सुन, तेरे लिए अभी तक शैंड लिया, मैं भगवान का कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ये बात भी हुई है तो कि बलगर वाली बात उसने ठीक बोली है। एक साइड का तो रह ले देव, तू तो मैं मान ही नहीं सकता, इधर की बात उधर, जो बात हुई वो गलत थी, अब जो गलत है वो गलत है। और अगर ऐसा होता ना, मैं इसके मुंह पे बोलता, सर सबके मुंह पे बोलता हूं मैं यहाँ पे, मैं उससे जाके अकेले में बात नहीं करता। आज भी मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मैंने आगे से किसको बोला कि कशिश को उड़ा दो। हर्ष और एडी का डिस्कशन हो रहा था इस बात पे, मुझे पता है। मेरे पास आई बहुत बड़ी दुविधा क्योंकि मैं उसको छोटा भाई बोलता हूँ। मैंने उस टाइम भी नहीं बोला जब मैंने कशिश का नाम लिखा, एंड एडी ने मुझे बोला था तुझे उड़ाने के लिए, बिकॉज़ ही वांटेड टू परफॉर्म विद उन्नति। खत्म, बस हो गया क्लोजर। उसने कहा, सुनो 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 सर, बात क्या हुई थी, हम रूम में बैठे थे, मैंने इसको कहा मेरे को मौका मिलेगा मैं रुशाली को उड़ा दूंगा, तो इसने कहा भाई सुन, रुशाली पे बात आएगी ना तो मैं भी तेरा कनेक्शन उड़ा दूंगा। मैंने कहा भाई उड़ा दियो, मैं यहाँ गेम खेलने आया हूँ। ये अलग कॉन्वर्सेशन है, ये अलग कॉन्वर्सेशन। अबे बंदू, नहीं 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 नहीं, अभी ये सुन सुन, अब मैं बताता हूँ, लेट मी फिनिश, रुक जा, लेट मी फिनिश। ये मेरे पास आया, मेरे कान पे इसने बोला, कहता भाई उड़ा दे, थोड़ा ड्रामा होगा, मजा आएगी, और मैं उन्नति पे स्विच करूंगा, ये बात हुई थी। और ये है सामने देव। What the fuck? अबे आईडी, अगर तूने बोला तो बहुत बड़ा बोंदू है भाई तू। अंशोभी का भाई, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, सही में ही बोंदू है। ये बात मजाक में हुई थी और उस टाइम शोभी का भी थी साथ में, बट इन्होंने वो चीज जैसी दिखाई, वो चीज पे मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मेरे को दिल करता है इतना मारू बेहिसाब मारू दोनों को। शोभी का, जिस दिन हम लोग आइडियल मैच के लिए जा रहे थे, मैं, हर्ष और देवकरण और आरडी बैठे हुए थे। अब ये बात उसने मजाक में बोली, मजाक में नहीं बोली, बट ये बात हुई। मैंने उसे बोला कि मेरे पास नाम है, मैं, हम लोग ऐसे डिस्कस करते, उसने गैस मारा, मैंने बोला ये नहीं, उसने अगला गैस मारा, मैंने बोला ये नहीं, फिर उसने कशिश गैस मारा, मैंने यस करा, क्योंकि उससे पहले वो तो मजाक चल रहा था। हर्ष तू भी तो था भाई, बोल क्यों नहीं रहा? मैं नहीं था उसमें, तूने बोला ना, अब कितनी बारी मजाक, कितनी बारी सच, क्या पता किसी को, तू नहीं बोलेगा, वो क्यों बोलेगा भाई, बोलेगा भी कौन सा बंदा मजाक में अपनी बंदी को उड़ाने की बात करता है? मैं तो ऐसा मजाक नहीं सहती हूँ। वो मजाक नहीं था भाई। ओए तू चुप रह, क्या हो गया, क्या क्यों चुप रहे? वहां पे मेरी सटक जाती है और सबको पता है, जब एडी की सटकती है ना, उस दिन कुछ ना कुछ तो होता है। क्या तेरे से बात हो रही है, तेरे से बात हो रही है, मेरे से बात करना है, अगली बारी मेरे से बात हो रही है, बोल ओड़े, ओए गाली मत दे, भोसड़ी के गाली मत दियो, एडी को पता है अरबाज के पास तो अपनी ताकत चलने वाली नहीं है। बेचारे सचिन पे गुस्सा होके आंग पे आ गया उसको मारने के लिए, तो तब मैंने उसको पकड़ा, दूर लेके गया। तूने मेरे सामने बोला था, सालो तुम सब चढ़ रहे हो, क्योंकि क्योंकि बहन के लड़ो में उनके साथ खेल रहा था, मेरे साथ बोल रहा था, एक मिनट छोड़, छोड़ना। अबे तेरे को तो पता है यार क्या बोल रहे हैं, बार बार कह रहा है यार। मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ रहा था वो शो से बाहर भी हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता था मेरी गलती नहीं और मेरे को कैसा दिखाया जा रहा है वहां पर। और इंसान जब गलत नहीं होता ना और उसे गलत दिखाया जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है उस चीज के लिए। आई नो इट्स अपसेटिंग, प्लीज सर, बहुत घटिया खेल रहे हैं। नो घटिया खेल रहे, बट यू आर लुकिंग बैड, मत करिए। अभी मैं बताऊंगा सर जिसका बहनचोद। बैठ जा, दो मिनट बैठ जा, सिट। I don't know how to react. मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। Oh my God. मेरी आंखों के सामने अंधेरा, मेरा सर घूम रहा था, and I lost my balance. I felt dizzy, मुझे चक्कर आ रहे थे, and I felt like I'm going to fall. Because ये क्या हो गया?
कशिश बी स्ट्रॉन्ग. या आई नो दैट, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए. आई नो दैट. सिर नीचे मत रख, सिर्फ रख लो प्लीज. मेरा सर घूम रहा है. हाँ, आई नो दैट्स अनसिंग, दैट्स अन. कशिश पानी पीगी. Can you give me a shoulder? Fuck. Oh, fuck. मेरा सर घूम रहा है. I'm just feeling a little pukish. I'm good. हमने सब की बात सुनी है. Now I only want to hear Kashish. Nobody else. For some reason, मेरी I don't know why, but मेरी heartbeat बढ़ी हुई है. And I can scream this on top of my lungs. मैं कोई damsel in distress नहीं हूँ. I need no knight in shining armor. I have my voice. I can take my fucking stand. And these petty fucking fights don't bother me. ये शब्द vulgar मैं life में पहली बार नहीं सुन रही हूँ. Any girl जिसके भी पास अपनी खुद की voice है, who's comfortable अपनी sexuality में, जो अपने jokes कर सकती है, who's free कि मैं लड़कों के साथ उनके कंधा मिला के jokes कर सकूं, मैं हंसू नहीं मैं जवाब दे सकूं, वो सुनेगी ऐसा. मैं इकलौती नहीं हूं जिसने ऐसा सुना है. ये सेम जवाब ये मेरे से 10 गुना बदतर बातें देव करता है. देव को किसी ने आज तक वल्गर नहीं बोला. मैं जब शिवित यहाँ पे था, हर किसी से वो भी फ्लर्ट करता था, मैं भी करती थी. शिवित को किसी ने ये शब्द नहीं कहा. आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से भी जानते हो. आप किसी से सेम मजाक करो, वो लड़की अगर आपको सामने से बोलेगी, उसके कैरेक्टर पे 10 उंगलियां उठ जाएगी. लड़का कूल लगता है इन सब सिनेरियो में. सो ये छोटी छोटी बातें तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इनसे. मैं बहुत स्मॉल टाउन से आई हूँ, ये सब ऐसे झाड़ देती हूँ मैं सुन के. आई हैव अ थिक स्किन. बट जब ये बातें वहां से निकलती है जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मैं अगर किसी इंसान के साथ सो रही हूं, उठ रही हूं, खा रही हूं, पी रही हूं, अगर वहां से कुछ आए तो वो बॉर्डर करता है. दैट्स वो, इट डजंट मैटर कि वो वर्ड क्या है. उधर से कुछ भी आए वो बॉर्डर करता है. मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं लक्ष्य से कितना मजाक करती हूँ, दिन भर फ्लर्ट करते रहती हूँ, ठीक है. अगर वहां पर भी कोई तीसरा इंसान बोले न्यू कनेक्शन फॉर्मिंग मजाक में भी, मैं उस मजाक को आगे कंटिन्यू नहीं करती. हम लाइक अरे पागल है क्या, यूज़र में बैठा हुआ है, कट कर देती हूँ. मजाक एक हद तक होता है. अगर आप एक चीज को बार बार मजाक में बोलते हो वो मजाक नहीं होता है. देन योर रियलिटी कम्स ऑफ. एंड इवन इफ अगर आप मजाक कर रहे हो, द पर्सन ऑन द रिसीविंग एंड, आई एम सॉरी वन सेकंड, द पर्सन ऑन द रिसीविंग एंड हैज मेड इट क्लियर कि वो मजाक नहीं है. तब भी अगर आप वो मजाक कर रहे हो, then that is on the expense of the person. That's not joke. That's passive aggression. That's passive insult. That's just saying कि तू कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है, क्योंकि I am unbothered. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है. मैं receiving it में हूँ. I am the one to bear all that. मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था. गुस्सा तुमको बाकी लोगों पे आता है, क्योंकि ये एडी ने किया था. लास्ट इंसान जिससे मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करूंगी. आई वेंट नम. रोवल वाली क्या बात हुई थी? मेरे से सुननी है. सुनो, तेरी हिक्की वाली बात हो रही थी, मेरी और अरबाज की. नहीं, मैं नहीं बात किया उस पे, हिक्की वाली पे. आई वाज जस्ट अ पार्ट. तेरी और मेरी हिक्की वाली बात हो रही थी, और जैसा तू बात करती है, तो इसने मेरे को कहा भाई तू खुद बता. और मैं अभी भी इसको गलत नहीं कहूंगा, ये सारे जितना मर्जी मेरे पे गैंग अप कर ले. इसने मेरे को कहा क्या भाई तू ये बता, कल को ऐसी कोई चीज़ बाहर हो जाती है या स्ट्रीम होती है, कुछ होता है, क्या वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं. मैंने कहा भाई देख, मुझे पता है वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट हाँ ठीक है, हमारी गलती, हमसे गलती हो गई. कह रहा भाई, और मैंने भी उस दिन ये बात इसलिए एक्सेप्ट कर ली थी वर्गर वाली, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोली थी. क्या मैंने वो चीज़ गलत बोली थी? मैंने कहा भाई तूने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी, वो तेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, पर वल्गर वर्ड सही नहीं था. अब ये कह रहा है कि वल्गर वाली बात मैंने करी थी और एडी ने उसमें हाँ कहा था. मैं सर इतना ही बोलूंगा, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यकीन करूं तो किस पे करूं. एक तरफ पूरा विला है और एक तरफ एडी है जो मुझे कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा. क्वेश्चन इज कशिश, आपने सबकी सुन ली. आई ओनली नीड टू नो, डू यू बिलीव व्हाट एडी जस्ट टोल्ड यू?
I don't want to believe कि उसने ये लाइन कही होगी. उसको पता है कि ये बात कितनी ज़्यादा सेंसिटिव थी मेरे लिए, किसी के लिए भी. He would never say this out loud to you. Do you not understand? No matter how comfortable you are. Hell would he want to say this to your face? Honestly, ma'am, I don't know what to think. इस समय मेरा दिमाग खराब हो रखा है, because I honestly don't want to believe it. Because him and I will talk so much, हमको पता है कि क्या ये बोल सकता है, क्या ये नहीं बोल सकता है. But at the same time, सारे लोग अटेस्ट कर रहे हैं. Most importantly, Dev बोल रहा है. वो आदमी इतने क्लोज है, वो भी आकर के ऐसे बोल रहा है. It's just too fucking much to process at the same time, because I don't know who to believe, who not to believe. मैं यहाँ पे चूतिया लग रही हूँ. मैं इसकी बातें मानने जा रही हूँ. मैं इसके अगेंस्ट नहीं मानना चाह रही हूँ. You are not looking like that at all. You just need to process this information. Too much to process. And now, what you do with this information, now that's on you. Hey, imagine, no, you're sleeping with somebody. मैं उठने के पहले, उठने के बाद, first thing I do is I go to his room. रात में सोने से पहले, I'm the one who goes to his room. अगर वो कहीं है, तो मैं जाती हूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. And फिर मुझे सुनने में आ रहा है कि वही आदमी जो literally मेरे साथ सोता है, जागता है, उठता है, बैठता है, everything. And अगर हिकी की बात हो रही है, it was so wrong. मैंने खुद को काट लिया क्या? You're the one who gave it to me. I didn't fucking do it. How am I the one who's coming out like this? And agar uske baad bhi there is so much understanding, how can you go to a third person and then you say all these things? I don't know what to believe. Agar ye koi Arbaaz bolta na, Arbaaz pe main gussa aa sakti hu, kyunki usse mera koi lena dena nahi hai. But ye bol raha hai, mere ko gussa bhi nahi aa raha. You know, honestly, I'm not mad. Mere ko ek person gussa nahi aa raha hai. I don't know what to feel. Mere ko, you're hurt. There are so many mixed emotions. I feel like laughing. मुझे बेवकूफों की तरह फील हो रहा था कि क्या मैं वो बेवकूफ नाइव गर्लफ्रेंड हूँ जिसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड उसको बहला फुसला के रखता है, और इस चूतिया बंदी में खुद का दिमाग नहीं है. मुझे उस लड़की की तरह फील हो रहा था. एट दिस पॉइंट मैं इस बात से भी थोड़ा टेकन अबैक हूँ कि देव को इतना फर्क पड़ा, ये इतनी बड़ी बात थी, ये मेरे इतने क्लोज है. जिस दिन ये वल्गर वाली बात उठी थी, सबने यूनानिमसली कहा इतनी बड़ी बात है, ऐसा कैसे वैसा कैसे. ये बात दोबारा उठी, देव तब नहीं आया मेरे से बोलने. तब क्यों नहीं उसने बोला कि मेरे को कि देख भाई आडी ऐसा ऐसा बोल रहा है तेरे लिए. तेरे को तो पता है ना कि मैं आडी से क्लोज थी. मैं उसके पास जाती हूँ, मैं बात करती हूँ. इधर मैं उसके पास जाती हूँ, हाथ उठा के बोलूंगा ना तभी. बात करूं उनसे नहीं. ये 20 लोग तेरे को बोल रहे हैं, अभी तो उसी की बात मान रही है ना. मैं मान नहीं रही हूँ बेंचोद, मैं मान नहीं रही हूँ. मैं कह रही हूँ आई एम कंफ्यूज, क्योंकि इतना सारा तुमको हिंदी नहीं समझ में आती. मैं कह रही हूँ मैं मानना चाहती हूँ, पर मैं मान नहीं सकती. कशिश, इन दोनों की बात थी, मैंने सुनी. तुमने मेरे को उस दिन आके क्यों नहीं बताया? तू मेरे को हर चीज आके बोलता है. तू इतनी बड़ी बात, तेरे को पता है मेरे को इतना फर्क पड़ता है, तू क्यों नहीं आया मेरे पास बोलने के लिए? क्यों नहीं आया अभी? क्यों बताऊं? हाँ बोलो. तू सारा दिन इसके साथ रहती है, क्या तू ये बात मानती? सबसे पहली बात, अरबाज और एडी के बीच की कॉन्वर्सेशन थी. चार बार मैं ये बात बोल चुका हूँ, मैं सुन रहा था और मैं अब भी अटेस्ट कर रहा हूँ ये बात कही थी. और अगर वो कॉन्वर्सेशन बतानी चाहिए थी तो अरबाज को तुझे बतानी चाहिए थी, ना कि मुझे, क्योंकि मैंने वो सुनी. Why? Exactly. She's a lot more connected to you than she is to Arbaaz. क्योंकि तुम दोनों सारा दिन साथ रहते हो. तो शादी हो गई है मेरी, पति है मेरा बेंचोस. सारा दिन तो साथ रहते भी नहीं. तू गुस्सा उसपे निकालना यार, मुझ पे क्यों निकाल रही? जिसने बोला उसपे तो गुस्सा नहीं निकाल रही. क्योंकि तेरे से मेरे को उम्मीद थी. मैं अरबाज को एक बार भी नहीं बोल रही हूँ, मैं हर्ष को तो नहीं बोल रही हूँ. तेरे को क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तेरे से मुझे उम्मीद थी. Why did you not go and tell Kashish? जब तूने ये बात सुना. मेरी गलती थी कि मुझे जब पता चला था तभी बता देना चाहिए था, पर वो डिस्कशन एक बार हो चुकी थी. अगर अरबाज की बात का कशिश को इतना बुरा लगा था शो के बीच में, अगर ये बात एडी के मुंह से आई होती तो तुझे कितना बुरा लगता? अभी नहीं लगा. I never wanted to be the one. यार ये कोलैप्स होने वाली थी यार. सर, अभी बुरा नहीं लगा. I never wanted to be the one. ये 20 लोगों के सामने मुझे बुरा नहीं लगता. ती अगर रूम में अकेले में बोलता तब ठीक था. एक बात बताओ, तुम एक रूम में, मुझे बंद रूम में बताओगे तब मुझे बुरा लगेगा. यहाँ तुम मुझे 20 लोगों के सामने ये चीज बोल रहे हो, जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ, मुझे चक्कर आ रहा है. यहाँ मुझे बुरा नहीं लगा? मेरे मुंह से तो ये बात कभी निकलती. तो तूने मुझे बताया ठीक है, क्योंकि तुझे बुरा लगता भाई. अभी मैं नहीं चाहता तो अब इसने बोला ना, अब इसने पिकअप कर, मैंने थोड़ी ब्रिंग अप करी है ये बात. तो तूने हाथ से बोला ना, क्योंकि भाई मैं केयर करता हूं उसकी. तूने बोला तो मैंने यस बोल दिया. तो आ चुका होता, बोल चुका होता. बीच में बोल दे, तुझे तो बीच में बोलना है. ऐसे करके आ जा, ऐसे करके आ जा. हां मैं तो बोलूंगी. मेरे का थाली का बैग है. गाइस गाइस गाइस, मैं इससे बात करूंगी विला जा करके. यूजुअली मैं किसी के इतना क्लोज नहीं आती, बट वंस आई ट्रस्ट समबडी तो मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तब तक उस पर भरोसा करूँ जब तक वो मुझे पूरी तरह से गलत ना साबित कर दे. ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द चैलेंज.
Yesterday was a three-way battle between our ideal matches. And we are going to continue it today. Ideal matches, you guys are going to have to fight for the power that you so really want. दिग्विजय नायरा, आप दोनों कल जीते। Yes, sir. तो आज आप परफॉर्म नहीं करोगे। मुझे तो चैलेंज परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कल मैं जीत चुका हूँ एंड अब मुझे बस पीछे आराम से शेर की तरह बैठना है और इनका चैलेंज देखना है। अर्श, शुभी, लक्ष्यानिका, आप परफॉर्म करोगे एक दूसरे के खिलाफ। So today's challenge is brought to you by Fixed Derma Shadow Sun Protection. Whoa! Guys, it's time to relax and unwind. तो पहले लेयर में होगी। Nice head massage. ऑयल मसाज के बाद हमें करेक्टर्स याद रखने। सेकेंड लेयर में रोल होगा थोड़ा सा रिवर्स। You guys have to channel your inner hair stylist. You have to do their hair. Yes. And girls, this time आपको याद रखने होंगे कुछ कैरेक्टर्स। Third layer is my favorite one, guys. Mud bath. You gotta get muddy and dirty. Gotta get dirty in there. टीचर में जाके वो एक एक कोड कलेक्ट करने थे। Once you've collected the characters, you have to come to this lovely box in front of you. और उन कैरेक्टर्स को ले जाकर हमें लगाना है ट्रंक पे उसी सेम सीक्वेंस में। Once the chest is open, इसके अंदर पजल पीसेस है। Next layer, my boys, to make it a little more fun, y'all are going to be blindfolded. Oh. और आप मनुवा करोगे अपने अपने स्क्वीजेस को। ये ऑब्वियसली पजल सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? Communication. Right. And once the puzzle's done, time's up. End of the challenge. क्योंकि तुम्हारे बे के लिए वेकेशन है, we've called it vacation. I hope you all have applied the Fixed Derma Shadow SPF 50 Plus Gel. So, are you guys ready for this sunny vacation? Yes. Yes. And a three. And a two. And a one. Aaja beta sir, aaj massage de acche se. Chal kaun lagse? Aha, badhiya tarike se. Aha. Sara jo tera chakkar hai. Aha, is aurat mera sar dard bahut kiya hai. अब तेरी बारी है मसाज दे। ये ले 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 मसाज, ले मसाज तू। अनिका बहुत खुश थी जब उसको चंपी भी दे रही थी तो वो अलग अलग तरह के डांस मूव्स कर रही थी। ये ले ले मसाज, ही ले ले तू, ले ले मसाज। क्या बात है। When she was Shivet, I could not see the side of her at all. Lekin Lakshya and Anika look so good together and I can see the 5 years of relationship still there. Don't forget guys, ये time-based challenge है। के बाल भी काफी है। और बाप रे, फट गई। मेरे छटके से एकदम से तेल मारा, मेरी आंखों में डाल दिया। वो लाइक शिट। क्यों बोले हम चिक चिक सॉरी। चैलेंज के बीच में भी ये लड़की मुझ पे गुस्सा उतार रही है किसी पॉइंट का। चल अनिका, आज उसका गला दबा दे, सॉरी सर दबा दे। अपने एक्स की आंखों में तेल डालना तो सबका सपना होता है, कोई बात नहीं, आज तू भी कर ले। बॉटल खत्म हुई है। Don't forget. Because after this, you will not be able to see it again. Okay? याद करने की कोशिश मत कर, मुझे देख। भेजा निचोड़े जो सारे सवाल। मैंने बोला अनिका चल, ये करैक्टर मैं शो के एंड तक भी नहीं बोलूंगा, तो उसकी टेंशन मत ले। Done, 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 done. It's done. You can't see this again. जल्दी, जल्दी, जल्दी ब्रेड्स लगाओ। ब्रेड्स लगा, जल्दी लगा, जल्दी। पकड़ने इसको, डब्बे को पकड़। प्यार से कर लक्ष्य, प्यार से हैं। Oh, you're so good at doing her wow, hair. Wow, nimble hand. Why, यार लक्ष्य कौन से पार्लर में काम करता था?
मुझे ये नहीं पता था कि लक्ष्य की नाई की दुकान है क्योंकि उसने वो इतनी तेज करे. I was like, damn bro, what you be doing in your off time? Eight, nine, ten. Okay. निका जो अपने पुराने हग्गू के साथ टास्क में हकती आई है, आज ना हक दे और रट्टा मारो. हो गया पक्का. चलो एक एक करके ढूंढो. या मी चॉकलेट बात, क्या बात है. बहुत अच्छे. ये क्या है, दिख भी नहीं रहा. ओके कम ऑन. कितने मिले अब तक. कम ऑन यार गाइस, टाइम इज एवरीथिंग. लक्ष्य और अनिका की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी. समवेयर उनकी जो केमिस्ट्री है जिस रीजन की वजह से वो आइडियल मैच बने वो दिख गई. एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे. मोहब्बत है, मोहब्बत. प्यार में गिर गया भाई, बनता है. Up, there you go. Nice. अनिका बढ़िया कर रही है. अनिका वहां से भी निकाल दिया जहाँ लक्ष्य देख के जा चुका है. अनिका जो है वो बहुत अच्छे से वो साइंस ढूंढ लेती है. लक्ष्य वही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है साइंस वगैरह ढूंढने में. लक्ष्य मेरा हो गया, तेरा कितना हुआ है? मेरा लास्ट बचा है. One more लक्ष्य ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है. कम ऑन, जब तक सारे कैरेक्टर्स नहीं मिले आगे नहीं बढ़ सकते. कम ऑन गाइस. अनिका जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, मुझे लगा कि यार लक्ष्य के आने के बाद अनिका बिल्कुल बदल चुकी है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. कहीं ना कहीं लक्ष्य उसका गुड लक था. अभी आगे बढ़ते, चलो तिजोरी के पास. कम ऑन, जस्ट बाइट इट ओपन, बाइट दैट प्लास्टिक ओपन. डन. ठीक से करो, ठीक से, एक लाइन में. तिजोरी खोलो, चलो तिजोरी खोलो. लकीली वो सीक्वेंस हमारा करेक्ट होता है. आई लाइक डिंगो. ये होता है दिमाग का खेल. चल निकल, चल ऊपर. गो गो गो, तू जा, तू जा. पजल तो बनाने थे, मगर यहाँ पर लक्ष्य जो सुकड्डा सा आदमी है वो अनिका को उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा देखते. कर नीचे कर और नीचे. होल्ड करके रख, आराम से. गिरना मत. अनिका जैसे ही वो पजल के पीसेस निकालती है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये लक्ष्य और अनिका की फोटो है जिसका पजल अनिका को बनाना है. Aww, that's cute. बहुत ही एक प्यारा मोमेंट लग रहा था मुझे तो पर्सनली. एंड मैं तो स्टार्टिंग से बोलता हूँ कि भाई लक्ष्य, यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर. पर अभी तक मुंडी टेढ़ी है यार. आएगी मुंडी भी आएगी. पजल आया, उसपे आया एक हाथ जिसमें थोड़ा सा टैटू बना हुआ था और एक रुद्राक्ष था. ओ गॉड, इसमें शिवित क्या कर रहा है? शिवित का हाथ? You can call me X. I mean, what is going on? अरे भाई, दिग्विजय और मैंने एक दूसरे को देखा. हमने बोला देयर कुड बी सम रीजन कि इसकी पिक्चर यहाँ पे है. मेरी भी सांसें थम जाती है कि क्या शिवित वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है या फिर बस इसकी सिर्फ यादें हैं. मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट मे बी मेरे लिए खतरा हो सकता है. क्या हुआ? मुझे क्लिक होता है कि ये एक पिक्चर नहीं है, ये दो पिक्चर है, मेरी और लक्ष्य की, मेरी और शिवित की. दिमाग से खेल रही है, दिल पे मार रहो, दिश्ती
जो मैंने ऊपर लगाए थे लक्ष्य और मेरी, उसको मैंने फटाफट से नीचे किया क्योंकि मेरी और शिवित की ऊपर आने वाली थी। ओहो, इट्स मी। शिवी के साथ वाली फोटो होगी। वो जो पिक्चर थी वो मुझे दिमाग में ऐसे छपी हुई थी। वो पिक्चर थी सेंसर्स वाले चैलेंज की, जहाँ पे मैं और शिवित साथ में बैठे थे। बहुत बढ़िया अनिका, बहुत बढ़िया। मजा आ गया? मजा आ गया? तुझे क्या मजा आ रहा है साले? देखो जब आंख खुली तो पता चलेगा। सब बोल रहे थे यार जब तेरे आंखों का ब्लाइंड फोल्ड हटेगा ना तो कुछ अलग ही देखेगा। आई वाज लाइक शिट, ऐसा क्या है कि जो मैं देख के मेरी फट जाएगी? सो क्यूट। क्या बात है। She kissed the picture and she put it there. That showed that how much she loves Shivit. सीटियां मार दो गाइस। तू सीटी मारेगा बाद में। भाई तू। बसड़ बसड़। तेरी तो सीटी बजेगी। बसड़ 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 बसड़। मैंने कहा यार कोई नहीं, मुझे इस चैलेंज को जीतना है, चाहे कुछ भी हो सामने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिका जो तू कर रही है बेस्ट कर रही है। शिवित बन गया, पर शिवित उड़ने जा रहा है। यार ये हवा क्यों चल रही है? लेफ्ट ले। और पजल्स को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना उसको होल्ड करना डिफिकल्ट था, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। अरे इट्स टू विंडी। कोई नहीं अनिका, रिलैक्स करके बस बनेगा बढ़िया। हम एक्चुअल में स्टार्टिंग से जल्दी करते आ रहे हैं, बट पजल में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप लक्ष्य के तोंड पर आ जाते हैं, लक्ष्य के तोंड को चिपकाओ। क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन प्रेजेंट में हम जो चीज देख रहे हैं वो तेरे लिए फील करता है। क्या कर रही है? ऑलमोस्ट देयर। हो गया हो गया हो गया। ऑलमोस्ट देयर। बन गया बन गया। छोड़ जो, ऊपर ले जा ऊपर ले जा ऊपर ले जा ऊपर 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 ऊपर। वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके कम ऑन कम ऑन। ऑलमोस्ट है ऑलमोस्ट है। फाइनली पजल बन चुका है और टाइम था मेरा ब्लाइंड फोल्ड खोलने का। मेरी आंखों में पहले ही बहुत धूल थी, बहुत ऑयल था। देखो भाई लक्ष्य की फाइनली आंखों से पट्टी हटी और उसने वहां पर वो पिक्चर देखी एंड ही वाज शॉक्ड। उसको एक मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि शिवित ही तो नहीं उठ के आ गया है। गिरे ही नहीं अभी तक, यही गिर रही होगी ना। गिरा दो हटा दो इसको यार, वैसे ही क्या काम करना इसका। शिट, इज दिस द पिक्चर? ये पजल सॉल्व कर रही थी अनिका, पर कोई नहीं, जो है ठीक है। ये चैलेंज हम अच्छा परफॉर्म कर चुके थे। वाओ, क्या बात है, यू गाइस आर मैचिंग टुडे। मैची ब्लू एंड ब्लू। किसका आइडिया था? मेरा आइडिया था। हाँ, देखते हैं अभी इस चैलेंज में आप दोनों कितने मैच करते हो अपने कोऑर्डिनेशन के साथ। आज का जो चैलेंज था वो हर्ष के लिए जीतना बहुत जरूरी था, बिकॉज वो कल भी हार गया था एंड आज होने वाला था डोम सेशन एंड आई डिडंट वांट कि आज कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रॉब्लम आए। इट्स वेकेशन टाइम। एंड 3 2 1 मैं परफॉर्म करता हूँ तो चाहे मैं परफॉर्म में हार जाऊँ, लेकिन मैं इंजॉय करते हुए परफॉर्म करता हूँ। शुभी ऐसे ऐसे अच्छे से मलती में देखती। ओ लवडेन, क्या हुआ तुम्हारा लौंडा उतना मसाज ले रहा है? लेट गो शुभी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, शुभी जैसे भी कर रही थी परफॉर्म, एक नंबर कर रही थी। चल चल कर कर कर, फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे। आई थिंक शुभी से ज्यादा एक्साइटेड हर्ष था वहां पर, पूरा इतना मटक मटक के उसने अच्छे से चंपी कराई है। ओके चलो ये खोल 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 खोल, और अभी हर्ष मेमोराइज करेगा। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, हमको लगा था कि अल्फाबेट्स होंगे, बट यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसको नॉर्मली याद करना इम्पॉसिबल है। याद रखना है बस, देखो हर्ष कौन सा नंबर का है। बस गाइस टाइम वेस्ट मत करो।
मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि हर्ष उन कैरेक्टर्स को उस पासवर्ड को याद रख पाएगा या नहीं रख पाया। डंडन आगे बढ़ते हैं। चल 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 मीटिंग के लिए आ जाओ। चलो हर्ष तू कितना अच्छा हेयर स्टाइलिंग करता है। उसको शुभि के बालों में लगाने थे बीड्स। अब पता नहीं है आज तक मेरे बालों में तो पिन लगा नहीं पाया, उसके बालों में बीड्स लगाएगा। देखते हैं। ये ले। आ निकल गया, निकल गया। चलो चलो चलो। अबे यार ये बंदी नहीं हो रहा यार। मुझे ब्रीड लगानी नहीं आती, मैंने कभी किसी लड़की के बाल नहीं बनाए, मेरे को आता ही नहीं है ये सारी चीजें करना। यार शुभि तू बहुत अच्छी लग रही है यार, मेरे को पहले नहीं बना इतनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर भाई हर्ष जी को पुराना प्यार याद आ गया होगा, इसलिए उसको प्यार से बीड्स लगा रहा। यहाँ पर कुछ ऐसा सजाना नहीं है अपने प्रिंसेस को, शायद वो भूल गए थे। यहाँ पर रुशाली खड़ी हुई है। रुशाली यार अच्छे से लगाना यार। हर्ष क्यूट है। आपके ब्लेसिंग्स है? नहीं नहीं है। मुझे फोमो हो रहा था, बट ठीक है आज मजे करने दो, कल घर पे धुलाई होगी उसकी। एक लास्ट वन क्लिप करते रहो। ओके चलो जल्दी हर्ष। हर्ष ने मेरी प्यारी सी क्यूट सी हेयर स्टाइल बनाई, वहां पे पासवर्ड रिवील हुआ। हर्ष इसको मत देख, तो अपना याद रख। एंड अगेन इट वाज नॉट अल्फाबेट, वो बहुत टफ कैरेक्टर्स थे। सो मैंने अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी बनाई दिमाग में, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज हैशटैग शुभि प्लस। तो मैंने ऐसे एक स्टेटमेंट बना लिया। ओके डन। ओके शो दिस टू अगेन। आर यू डन? ओके चलो आगे बढ़ते। फिर आती है कीचड़ में से पासवर्ड्स निकालने की बारी। बचा। पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। हर्ष ऐसे कूदता है सुअरों की तरह, जैसे अपने घर पे वो डेली कीचड़ में ही पड़ा रहता है। हर्ष ऐसे मत कर। हर्ष आराम से कर यार। पता नहीं क्या सोच के उसने वो छलांग लगाई और उसने पूरा कीचड़ ऐसे बाहर उछाल दिया था सब पे। यार चलो क्या बात है यार, यार लगता है तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है यार। उसको देख के ये लगा था कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है ये चैलेंज शुभि के साथ। हर्ष मजे मत ले अभी, क्या करे कल भी ऐसे ही हारे था मजे मजे में। मैं वहां से चिल्ला भी रही थी कि हर्ष थोड़ा सीरियस हो जा, मस्ती मजाक हटा। फिर एक टाइम पे लगा कि लेट हिम डू हिज थिंग। करते रहे। क्या है, क्या बात है, क्या फॉर्म है यार। शेर आज कीचड़ उतर रहा है। वहां पर हर्ष शेर कम खुला सांड ज्यादा लग रहा था, तो भाई छपाक छपाक हर कोने में ढूंढ रहा था। ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। हां बहुत पता पता है। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, कम ऑन ढूंढते रहो। हम दोनों उस टाइम पे बहुत प्रेशर में आ गए थे, पूरे हाथ पैर छिल रहे, बट वी डिड नॉट केयर। हम लोग ढूंढने जा रहे हैं, हमने पासवर्ड्स निकाले कैसे कैसे। कितने मिले? 8, 9, 9, यू नीड 10। एक बचा है, एक अभी भी स्मार्ट पिन के अंदर है। इधर भी है, इधर भी है शुभी, इधर भी था कुछ। शुभी ढूंढना, शुभी हेल्प हिम, ही कांट डू दिस अलोन, ही नीड योर हेल्प, कीप लुकिंग। मिल गया, चलो आगे बढ़ते। यहाँ पर हमें टाइम लगा और मैंने 7 करेक्टर ढूंढे, उसने 3 करेक्टर ढूंढे, हमें 10 मिले, हम गए। चलो आगे बढ़ते। लेट्स कम हियर। हर्ष टाइम वेस्ट मत, पन्नी से जल्दी फाड़ो, बहुत लेट चल रहे हो। फाड़ो 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 फाड़ो, पैकेट भी फाड़ो और चैलेंज में भी फाड़ो। शुभी बीइंग शुभी, वो भी टाइम लगा रही थी बहुत ज्यादा, और मैं कह रहा था भाई जल्दी कर, पलवेल निकलना है। शुभी लेके जाओ वहां पर। चलो 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 चलो, सारे मिल गए, 10 के 10 मिल गए, स्टार्ट हो जाओ। अभी हमको पासवर्ड्स को अरेंज करना था और उस ट्रेजर बॉक्स को खोलना था जिसमें पजल्स थी हमारी। You got to be that side. Shubhi, this is your side. Okay. हर तरफ लेजी मत बन यार। भाई सीरियसली ले रहा हूँ यार। तो फन में ले रहा है। हर्ष की शक्ल देख के लग रहा था कि इसको कुछ भी याद नहीं होगा। 100%. Okay. डॉलर वाज देयर तेरे में। यहाँ पर मुझे लग रहा है हर्ष के दिमाग में कैरेक्टर भी नहीं चल रहे होंगे, उसके दिमाग में शुभि रुशाली चल रहे होंगे। गाइस जल्दी, यू आर गेटिंग लेट। याद हो? ओके, ये शायद तुम्हें दिक्कत ना करना। नो इट्स इनकरेक्ट गाइस।
इनको वो नंबर याद रखने थे, तो वो नंबर दोनों भूल गए। मेरे को लगा था चलो शुभी को याद रहेगा, हर्ष को याद नहीं रहता, तो दोनों भूल गए। Something is wrong. हर्ष जल्दी कर। You ask, we'll give you the answer. Yes or no? Correct or incorrect? Yes or no? Incorrect. लगाए जा रहे हैं वहां पे, पहला पासवर्ड गलत, दूसरा पासवर्ड गलत। यार तुम्हें पासवर्ड याद नहीं रहा? Incorrect. Okay guys, you'll have the option. You'll want to keep dying or time? और मैंने यहाँ ली पेनल्टी, और मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, पजल जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अगर पजल सॉल्व कर लिया ना जल्दी तो चीजें हो जाएंगी। लेट्स गो। यहाँ पे टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। शुभी, दो फोटोज है वहाँ पर, एक मैंने फायदा देखा क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पर दो पिक्चर्स है, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं इस मौके पे शुभी को हेल्प कर सकती हूँ। शुभी, दो पिक्चर्स है, ऊपर एक कपल की, नीचे एक कपल की, साथ से चला लगाना। I only want to listen to you. Tell me, left, नीचे, right. नीचे, नीचे, नीचे. Okay. Right, 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 right. शुभी लगाना शुरू कर। तू लगाना स्टार्ट कर दे, बस चिपकाना स्टार्ट कर। लेफ्ट 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 लेफ्ट, स्टॉप 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 स्टॉप। आराम से कर बेटा, कोई बात नहीं है, यू आर डूइंग ग्रेट। मेरी आंखें बंद है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे बस आवाजें आ रही है। तू बस पजल ले ले बेटा। चिपका दे पहले फटाफट, सब चिपका दे। शुभी ऊपर चिपका, ऊपर चिपका। ये दूसरी पिक्चर है। शुभी शुभी, लेफ्ट में उसके उसके बाजू में आएगी। हाँ, वो नहीं समझ पा रही थी कि उसको एग्जैक्टली कैसा करना है। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शुभी थोड़ी स्लो है इन टर्म्स ऑफ एनी चैलेंज। हर्ष का सर है ना, उसके ऊपर से दूसरी फोटो शुरू हो रही है, अगर तू देख सकती है। तो मैं वहां पर बहुत सपोर्ट के साथ हर पॉइंट पे आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसे गाइड करूं। शुभी टर्न टर्न टर्न, एक और टर्न, एक और टर्न, एक और टर्न कर उसको। शुभी राइट में, वो आराम से आराम से आराम से। हर्ष होल्ड कर। सॉरी। तो भाई चैलेंज बना था हर्ष और शुभी के लिए, मगर दोनों सिर्फ एक ही बंदी की सुन रहे थे, वो है रुशाली। ओ मैं तो भूल गई थी, दोनों उसके बच्चे हैं ना, इन लोगों को अपना दिमाग खुद का लगाना नहीं है, इसीलिए तो टास्क में भी हग ही रहे हैं वो लोग। I think we're going to be here for a while, ना यार, ऐसा ही लग रहा है। ये ऊपर है, ऊपर ऊपर वाला है। हाँ, Shubhi, you can do it. Oracle वाली पिक्चर है हमारी, जो आइडल मैच बनेगी। पहले तो मेरा वहीं पे दिमाग खराब हो गया। पजल में भी हर्ष रुशाली को भी घुसा दिया है, हर्ष शुभी के साथ। भाई मेरे को चैन की सांस कभी तो लेने दो। शुभी मैं राइट में हूँ, वो लेफ्ट में आएगा उसमें। ये तेरी फोटो है शुभी। हाँ, उसने जानबूझ के मेरा पजल पहले सॉल्व नहीं किया, उसने पहले अपनी फोटो सॉल्व करी, जबकि मैंने उसको बोला था कि ऊपर के पजल सॉल्व करो। लेफ्ट में कर हर्ष को। और अभी मेरा फेस लगा। अब चिपका दो थोड़ा। अभी कुछ बन रहा है। पजल बनने में इतना टाइम लगा, मुझे ऐसा लगता है कि इतने टाइम में ना 10 लोग गाजर का हलवा बना के खा के डाइजेस्ट करके आ सकते थे। बस वो वहीं रहने दे, वो वहीं रहने दे, शुभी वहां पर आएगा। शुभी वहां पर आएगा, शुभी नहीं। हर्ष का मुंह, हर्ष का चेहरा, हर्ष का कान, हर्ष का कंधा। This is torture. यहाँ पर सबको लग रहा था कि शुभी बहुत कंफ्यूज है, उससे हो नहीं पा रहा है, बट मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि शुभी सच में कंफ्यूज थी या फिर वो सच में पजल बनाना ही नहीं चाहती थी। राइट राइट। चलो शुभी जल्दी करो, टाइम जा रहा है, हर्ष के फोरआर्म्स भी पंप हो चुके हैं। आई डिड नॉट गिव अप बिकॉज ये तो मैं श्योर थी कि कुछ भी हो जाए, वहां पे मर जाऊं, लेट जाऊं, लौट जाऊं, जो हो जाए, लेकिन गिव अप तो नहीं करूंगी। ऑलमोस्ट डन शुभी, अब पनवेल दूर नहीं, चलो लास्ट शुभी, लास्ट पिक्चर, एक ही बचे। We are down! Okay, guys, so kaisa raha vacation? I like your hairstyle. You like my hairstyle, na? Yeah. I have my own personal hairstylist over here, na? Yeah. The best. Can't get better. But Lakshya, I'm very upset with you because wo kehte hai na ki you should never do mudslinging at your ex. Par aapne to क्या कर लिया? He did mudslinging at his ex. He also did me. Yeah. I'm really sorry. It's okay.
Anika, you are enjoying? I think Anika enjoyed the most of the start, massage karte samay. Uske baad thoda downhill ho gaya. But aapka jo hairstyle hai, it's quite cute. हाँ लक्ष्य alternate job profession है मेरे लिए ये वाला ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये करने में हमने देखा पूरा मज़ा ले इधर उधर के मज़ा ले रहे थे यार आप दोनों he was having too much fun I guess it looked like you were having fun मुझे ऐसा लगा वहाँ पर ने टाइम सेव करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ नो नो इट वाज नॉट फन बट क्या है कि मतलब जो कर रहा होता ना आई थिंक एडवाइस देना आसान है वहाँ पर बहुत सारी चीजें दबी हुई थी कोई मजे के लिए नहीं कर रहा था मैं एडवाइस नहीं दे रही थी हर्ष आपको मैं बोल रही थी कि आप जल्दी ढूंढने में टाइम लगाओ मैंने उनका भी देखा था परफॉर्मेंस और वो भी मजे भी कर रहे थे बट वो नो नो इट वाज नॉट मजे फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या हुआ कि मैंने ये सोचा था कि इफ आई गो डाउन और मैं ऐसे अगर स्लाइड कर लूंगा अगर मेरे हाथ में कुछ आया तो ठीक है अब मुझे ये नहीं पता था वो कीचड़ के अंदर है या फंसा हुआ सो इट टुक टाइम बट मेरे को जितना समझ में आया मैंने किया आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुझे कहीं ना कहीं वो किया हो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ फॉर मी चैलेंजेस आर इंपॉर्टेंट ओके गाइस सो शुड वी गेट टू द रिजल्ट्स नाउ देयर इज अ 10 मिनट डिफरेंस हर्ष शुभी पेनल्टीज के बगैर आप दोनों का टाइम है 32 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स लक्ष्य अनिका मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि मेरी वजह से पजल के उसकी वजह से नहीं होना चाहिए और ये लास्ट चांस था ये नहीं जाना चाहिए मेरा दिल ऐसे दुख दुख कर रहा था मैं नहीं चाहता था कि मैं हर्ष से हारूं You guys did it in 22 minutes and 51 seconds. Yeah! Finally, हम ये चैलेंज जीत चुके थे. Oh God! इतने टाइम बाद में कोई चैलेंज जीती थी. वो कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता. इस कुत्ते की शक्ल देखने लायक होगी कि जितना ये भौंकता है ना, आज इसकी बोलती बंद होने वाली है. I was really disappointed. मतलब पहला चैलेंज भी हम हार गए दूसरा चैलेंज भी हार गए कुछ कर नहीं सकते इट वाज नॉट हिज फॉल्ट दिस टाइम इट वाज शुबी'स फॉल्ट यू गाइस माइट बी एक्सेस बट ऐसा तो लग रहा नहीं है दैट आप दोनों के बीच एक कनेक्शन नहीं है ऑफ कोर्स 5 साल से साथ में थे तो कनेक्शन है बट अभी नहीं है साथ में जो बोलना था बोल सो कनेक्शन इज लाइक कांग्रेचुलेशंस लक्ष्य अनिका आप इस चैलेंज के क्लियर विनर्स है और आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम फिक्स डर्मा शैडो सन प्रोटेक्शन थैंक यू सो मच अनिका मेरी एक ऑब्जर्वेशन है यार तुम शिविर के साथ कभी जीतती नहीं थी पर लक्ष्य के साथ तो वो हम कुछ ज्यादा ही फीलिंग्स में थे ना तो इसलिए हमें एक दूसरे के अलावा कुछ दिखता नहीं था किसी ने चाय में बैड लक भी बोला था ना आई फील कि लक्ष्य आपका लकी चार्म है अनिका क्या चल रहा है exactly. मैं तो सर इसको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि ये शिवित के साथ खेल रही हारेगी मेरे साथ खेलेगी जीतेगी ये जो भी है सच तो बोला है सच है फैक्ट बोला है और आई होप आप सबको इस चैलेंज में मजा आया हम दोनों को बहुत मजा आया बट फॉर नाउ वी विल सी यू इन द डोम सून वे बहुत कुछ होने वाला है और अभी के लिए एक्सक्वीज अस प्लीज फाइनली आज मैं डोम में बैठूंगी आराम से आइडियल मैच बन के पावर्स के साथ आंदे भाई आंदे अब देखती हूँ कौन आता है मुझे पिच करने ये चैलेंज जीतने के बाद मुझे अब हर्ष को जो उसके शेर पना है ना आज डोम में उतारूंगा तू आज चल मेरे भाई
हम विला में पहुंचते हैं एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी, सब इतने मजे कर रहे थे। और वहां पे मैंने बोला अनिका सुन मेरी बात, देख तू चैलेंज पहले कर ले, गलत बंदे के साथ परफॉर्म कर रही थी इसलिए हार रही थी, आज तूने सही इंसान के साथ चैलेंज परफॉर्म किया, देख तू आइडल मैच बन गई है और तू सही इंसान के साथ आज परफॉर्म करके चैलेंज जीत भी चुकी है। यार तू कितनी अच्छी है यार, लक्ष्य के लिए केमिस्ट्री तो अच्छा है। ऐसा देख तुम क्यूट तो बहुत ज्यादा लग रहे हो, क्यूट तो तुम लगते हो, खैर कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। सुना निका, मैंने तेरे लिए अच्छा ही चाहता था इसलिए शिवेद को घर भेजा कि लक्ष्य तेरे साथ परफॉर्म करे, वो भी जीते तू भी जीते, तो अच्छा ही चाहता था तेरे लिए। मेरा टेम्पर फायर चला जाएगा, ठीक है बहुत ज्यादा शिवेद। अरे वैसे ही ठंड बहुत हो रही है, आज तो रिवेंज पक्का है, आज तो रिवेंज है पक्का, आज तो कोई तो घर जाएगा, पूरा रिवेंज लूंगी। अरे 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 तू पिच क्या करेगी जाके, पहले मुझे ये बता, पिच करने के लिए तो देखो मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो तू बता दे यहाँ पिच कर दूँ कि वहाँ पिच? नहीं नहीं, मैं तेरे डोम में ही पिच सुनूंगी और तू वहाँ पे मेरी, और मैं वहाँ पे पलट जाऊंगी। हाँ हाँ, और वहाँ पे मैं लिखूंगी चश्मत करा। बच्चा पागल हो गया, कोई बात नहीं, मुझे पता है अनिका ऐसा नहीं करेगी। ऐसे मत बोल यार, ऐसे मत बोल यार, नहीं पता था आकृति ऐसा नहीं करेगी। कोई बात नहीं, तूने तुझे जो करना है, हमारे दुश्मनी के बीच में हमारे कनेक्शन जाएंगे। अब बारी थी रिवेंज लेने। खैर मुझे इस चीज़ का डर नहीं कि तू रिवेंज ले या ना ले, बट मुझे इस चीज़ की खुशी है कि अब हमारे बीच में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। एक बार कशिश के पास जाना चाहती थी बिकॉज आफ्टर ऑल दैट हार्श सिचुएशन वो थोड़ा सा लो फील कर रही थी एंड आई वेंट देयर। मेरे पास भी एक पॉइंट था जो मैं बोलना चाहती थी उस टाइम पे। मुझे वो वल्गर वाली बात नहीं पता, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग ऑन दैट, बट जो दूसरी बात है वो कहीं ना कहीं सच है। जो दूसरी बात है कहीं ना कहीं सच नहीं है, मेरे सामने हुई थी। मेरे को सिर्फ हर्ष से पता चली और हर्ष ने आज बोल दिया कि ऐसा बोला है नहीं। मेरी एनी से बात हुई थी, मैंने पूछा था कशिश इज योर टाइप, तो उसने मुझे बोला नहीं यार कशिश मेरी टाइप की नहीं है, मेरी टाइप की उन्नति है और एक और नाम। He told me all this conversation. हाँ, so if you have all these bits and tits, then why can't you figure out? He told Harsh. I'm telling honestly कि उड़ाना है तो उड़ा दे, मैं थोड़ा सा ड्रामा होगा वहाँ पर वो मैं कर दूंगा। जब हर्ष ने तेरा नाम भी लिखा था, एडी गुस्सा हुआ था रूम में, तूने देखा था, उसके बाद रात को एडी वैसे अगर देखा जाए तो नहीं बात करनी चाहिए हर्ष से। मैंने उसको टोका था उस रूम में कि एक बात बता, ऐसे तुमको हर मामले में ऐसे तो तुम हर मामले में फटते रहते हो, बट जहाँ तुमको एक्चुअली रिएक्ट करना चाहिए। और मेरा कोई हक नहीं था इस कॉन्वर्सेशन में आने का, बार बार वो बोलना इस माहौल में हम ऐसी पॉइंट पहुंच चुके हैं गेम पे जहाँ पे अगर वो बंदा मजाक में भी बोल देना कि कशिश को उड़ा दो तो कोई नहीं, दो सेकंड रुकेगा नहीं उसका। नहीं एग्जैक्टली, ये और वो उसने मुझे बोला और मेरे को तो अच्छी लगती है इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा, पर हम मजाक कर रहे थे। दो बार ही हुई है ये बात, तो कहीं बातें कशिश को समझाई गई कि तू देख जो हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बट यार मुझे लगता नहीं कि उन बातों का कुछ फायदा होना क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों ने एक साथ हो ही जाना और हम सब इनकी कहानी में बुरे बन जाएंगे। ये मुझसे क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई इज ही नॉट कमिंग टू टॉक टू मी अगेन? एग्जैक्टली, यू हैव योर आंसर, दैट्स इट। जब आपको कोई फॉर ग्रांटेड लेता है आपको पता लग जाता है, और मुझे पता लग रहा था यहाँ पे क्या चल रहा है, बट मैं कंक्लूजन पे नहीं जंप करना चाहती थी। मैं लास्ट तक उसको मौका देना चाह रही थी कि वो मुझे गलत साबित कर पाए। फिर मैं गई आड़ी के रूम में, मैंने बात की उससे। All of this and you have nothing to say to me. दो में बात करूंगा सबसे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। No, there are चीजें जिनको मुझे बोलनी होगी, तुमने मुझे कुछ चीजें बोल रखी है इसलिए I did not react. पर अब मुझे बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन पता लग रही है, so you better speak up. अरे भाई मैं बताता हूँ, देख सुन, मेरे को इस बारे में बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि अब मैं ही चूतिया कहलाऊंगा अगर मैं इस बारे में फालतू में बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ मैं डोम में ही सारी बात करूँ। डोंट यू थिंक तुमको मेरे से कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत है? यार तूने मना करा था बात करने। वहाँ मैंने सबको मना किया था, बाकी लोग तो आगे तुमसे नहीं आया गया। अरे इसलिए नहीं आया कि तू मेरे पे गुस्सा करे तो? बोलेगी तुझे बात तो? चिल्ला मत प्लीज, मेरे सर दर्द हो रहा है, चिल्ला मेरा नहीं हो रहा, आराम से बात कर, मैं आराम से बात करूंगा। तू आया भी नहीं था मेरे से बात करने के लिए, मैं आई हुई हूँ अभी। लुक एट योर एटीट्यूड अभी भी। यू टेल मी, डोंट यू थिंक यू नीड टू टेल मी एनीथिंग?
मुझे कुछ बताना नहीं है। ये नई बात जो भी ये नई बात जो भी हुई है मुझे नहीं पता ये नई बात क्या हुई है। तुमने हर्ष को सामने से कहा था कि हाँ कशिश को उड़ा दे एंड योर लाइन वर्स की क्या होगा मैं थोड़ा ड्रामा करूंगा बट उड़ा दे। और मैं किसके साथ खेलूंगा? यू विल फॉर्म न्यू कनेक्शन। कौन है न्यू कनेक्शन? यू नो हु? क्या उन्नति? ठीक है दो मैं बात करूंगा इस बारे में। मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा था कि कशिश उनकी बातों में क्यों आ रही है। तू मेरे साथ उठ रही है खा रही है पी रही है साथ रह रही है 24 घंटे तू मेरे साथ रहती है तब भी तू कैसे बिलीव कर सकती है इनकी बातों में? तुमने गलती की है सब तुम्हारे खिलाफ है। इतना कुछ होने के बाद इतनी हर्ट होने के बाद मैं तुमसे आकर बात कर रही हूँ और तुम्हें स्पेस चाहिए। मैंने उससे मैं कुछ भी नहीं बोला बट मुझे पता था कि मुझे अब गेम में आगे क्या करना है। मुझे मेरी सारी क्लैरिटी मिल चुकी थी और मैं इतना तो समझ गई ठीक है तुम्हें गेम खेलना है खेलो अब मैं खेलूंगी।